Assalamu alaikum, dear students. Welcome to botany class. देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा और उसके बाद उसमें हमने एक और क्लास ली जिसमें हमने ये पढ़ा दैट ट्रांसपिरेशन जो है उसका मतलब क्या होता है या ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है वो कैसे होती है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है उसका क्या मैकेनिज्म है वो हमने पढ़ा। तो आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो भी उसी के साथ एक टॉपिक रिलेटेड है जिसको गटेशन कहा जाता है, गटेशन। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली गटेशन होता क्या है। बिफोर वी गो इन टू द मीनिंग ऑफ गटेशन और इन टू द डिटेल्स ऑफ गटेशन, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं गटेशन के बारे में। देखिए हमने जब ट्रांसपिरेशन पढ़ा तो हमने ट्रांसपिरेशन ये पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट पर्टिकुलरली ऑन लीव्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो प्लांट्स जो है वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर उनकी बॉडी में होता है दैट वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स थ्रू स्मॉल पोर्स विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन का मकसद है कि प्लांट अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है। अब ट्रांसपिरेशन इस पहले फायदे के साथ साथ ट्रांसपिरेशन का दूसरा फायदा ये भी है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। जैसे हमने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कैसे ट्रांसपिरेशन जो है उसकी मदद से एसेंट ऑफ सैप होता है, यानी कि वाटर जो है इट रीचेस टू द टॉप ऑफ द प्लांट और टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो दैट एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो एक तरफ से ट्रांसपिरेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट जो है दे लूज वाटर, और दूसरी जो ट्रांसपिरेशन जो जिस उसका फायदा ये है ट्रांसपिरेशन का कि उससे एसेंट ऑफ सैप होता है। ट्रांसपिरेशन का एक और ये फायदा भी है कि ट्रांसपिरेशन से प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी में बॉडी को ठंडा रखते हैं, क्योंकि प्लांट्स पूरे दिन धूप में होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर धूप की वजह से इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एंजाइम्स प्रोटीन्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो प्लांट्स अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन जो है ये एक साइड इविल भी है क्योंकि इससे वाटर लॉस होता है, और इसके दूसरी साइड फायदे भी हैं प्लांट्स के लिए। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल कहा गया है, दैट इट्स ए इविल बट इट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट। नाउ ट्रांसपिरेशन होने के लिए फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े ऑलरेडी कि कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। जब स्प्रिंग सीजन होता है, जब बारिश का सीजन होता है, उस टाइम पर बारिश पड़ रही होती है, बारिश पड़ती है, सॉइल में बहुत सारा वाटर मौजूद होता है, और उस टाइम पर हवा में बहुत सारा मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी भी मौजूद होती है। तो स्प्रिंग सीजन में प्लांट जो है वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो ये वाटर एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के रूट्स में जमा हो जाता है, उनकी बॉडी में जमा हो जाता है, ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपिरेशन कम होती है, राइट। तो स्प्रिंग सीजन में चूंकि ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज्यादा होती है तो उस वजह से ट्रांसपिरेशन स्प्रिंग सीजन में बहुत कम होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्प्रिंग सीजन है, बारिश का मौसम है, तो प्लांट्स जो है वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो उनकी बॉडी में उनके रूट्स में बहुत सारा वाटर जमा हो जाता है। तो प्लांट्स कैसे इस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाले, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो कम है हो रही है स्प्रिंग सीजन में। तो उसके लिए प्लांट्स ने एक दूसरा तरीका निकाला है जिसको गटेशन कहा जाता है। गटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट्स अपना बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर बहुत तेजी के साथ लूज कर देते हैं, राइट। तो गटेशन और ट्रांसपिरेशन जो है वो इस हिसाब से रिलेटेड है कि ट्रांसपिरेशन से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है प्लांट की बॉडी से, और गटेशन से भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की शक्ल में बाहर निकलता है,
और वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलता है। स्टोमेटा जो है वो क्लोज भी होते हैं, वो ओपन भी होते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट रेगुलेटेड होती है बाय टर्गर मूवमेंट्स। लेकिन जब हम गटेशन की बात करते हैं, गटेशन से भी वाटर लॉस होता है, लेकिन गटेशन जो है इससे वाटर जो है वो वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में लॉस होता है, नॉट वाटर वेपर्स बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, राइट। और गटेशन जो है इट टेक्स ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल पोर्स विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड्स, लेकिन हाइड्रोथोड जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं, वो क्लोज नहीं होते, राइट। तो ये बुनियादी फर्क है बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो जब हम गटेशन को डिफाइन करते हैं, वी से दैट गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, गटेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू स्पोर्स विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर स्टोमा, थ्रू स्मॉल पोर्स विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड्स और वाटर स्टोमा। और ये कहां पर होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द लीफ मार्जिन। ये जो यहां पर आप लीफ नजर आ रहा है, इस लीफ में ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द वीन्स, जिस तरह हमारी बॉडी में वीन्स होती हैं जिसमें खून दौड़ता है, उसी तरह इस लीफ जो है इसमें वीन्स होते हैं और इन वीन्स में जाइलम और फ्लोएम होता है जिसमें जिसके मदद से लीफ जो है जाइलम की इन वीन्स में जो जाइलम है उसकी मदद से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और जो इनमें फ्लोएम होता है उसकी मदद से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वीन जो है दे आर बेसिकली दे कंटेन बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम। ये वीन्स पूरे लीफ में फैले हुए होते हैं। जो ये लीफ का एंड है यानी कि मार्जिन पर ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हाइड्रोथोड कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड। जिस तरह से ट्रांसपिरेशन में हम स्टोमेटा कहते हैं तो गटेशन में हाइड्रोथोड हम कहते हैं, या इसको वाटर स्टोमा भी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर स्टोमा। These hydrothrodes or water stoma are not scattered throughout the leaf surface. जिस तरह से लीफ के सरफेस पर स्टोमेटा स्कैटर्ड होते हैं, ये hydrothrodes लीफ के सरफेस पर स्कैटर्ड नहीं होते हैं, but these hydrothrodes are confined to the margins of the leaf at the vein ends. ये hydrothrodes जो होते हैं, ये water stoma, ये मौजूद होते हैं लीफ के margins पर, they are present at the leaf margins. और कहां पर, जहां पर वीन्स जो है वो एंड हो जाती हैं, जहां पर वीन्स एंड हो जाती हैं। तो जब हम इन हाइड्रोथोड्स का, जब हम इंटरनल लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोथोड नजर कैसे आते हैं, मैंने एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। यहां पर आपको जाइलम और फ्लोएम नजर आ रहा है, जाइलम फ्लोएम ये आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये लीफ वीन है, ये लीफ की वीन है। इस लीफ के वीन पर आपको एक लूज टिश्यू नजर आ रहा है विच इज मेड अप ऑफ दीज स्फेरिकल सेल्स, जिसको एपिथेम कहा जाता है। दिस टिश्यू, लूज टिश्यू इज कॉल्ड एज एपिथेम। इसी एपिथेम के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन पर आपको ये दो सेल्स नजर आ रही हैं। दीज टू सेल्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोथोड गार्ड सेल्स। जिस तरह से स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स होती हैं किडनी शेप्ड, यहां पर भी हाइड्रोथोड में दो गार्ड सेल्स होती हैं, लेकिन ये दो गार्ड सेल्स यहां पर किडनी शेप्ड नहीं होती हैं, ये बैरल शेप्ड होती हैं, दे आर बैरल शेप्ड। तो ये दो हाइड्रोथोड गार्ड सेल्स होती हैं और इन हाइड्रोथोड गार्ड सेल्स के बीच में ये जो स्पेस होती है, ये जो होल होता है, ये जो ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज वाटर स्टोमा और दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोथोड, इसको कहा जाता है, इसी को हाइड्रोथोड कहा जाता है। तो क्या होता है कि जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती है स्प्रिंग सीजन में, लेकिन प्लांट जो है वो बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसके रूट में बहुत वाटर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रूट प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो प्लांट को बहुत तेजी के साथ वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर फेंकना होता है, लूज करना होता है, तो इन्हीं वाटर जो है उसको रूट से लाया जाता है जाइलम की मदद से और वो इस जाइलम तक, लीफ के जाइलम तक पहुंच जाता है, और यहां से ये वाटर जो है वो लिक्विड की शक्ल में रिलीज हो जाता है और वो ड्रॉप्स की शक्ल में जो है यहां से लीफ मार्जिन से रिलीज हो जाता है इस तरह से,
और इस तरह से गटेशन की मदद से ये प्लांट जो है ये बहुत सारा वाटर लूज कर देता है, जो वाटर इस लीफ के ऊपर भी फैल जाता है। तो इस तरह से गटेशन की मदद से प्लांट जो है वो बहुत तेजी के साथ अपना वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को लूज कर देता है। नाउ गटेशन ट्रांसपिरेशन जब होती है उससे जो वाटर लॉस होता है राइट, वो वाटर जो ट्रांसपिरेशन से निकलता है वो वेपर की शक्ल में होता है और वो वाटर प्योर होता है। जो वाटर ट्रांसपिरेशन से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो प्योर होता है, लेकिन गटेशन जो है इसमें जो वाटर निकलता है वो प्योर नहीं होता है बल्कि वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर वाटर क्यों इम्प्योर वाटर होता है? बिकॉज इट कंटेन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब गई उसका मतलब है मिनरल्स उसमें मौजूद होते हैं। तो गटेशन से जो वाटर निकलता है वो प्योर नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर निकलता है वो प्योर होता है, लेकिन गटेशन से जो वाटर निकलता है वो प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर होता है। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं राइट, और उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। तो जब ये गटेशन जब होती है ये नाइट में बहुत ज्यादा होती है, नाइट के टाइम में ये बहुत ज्यादा होती है राइट, या ये सुबह के टाइम बहुत ज्यादा होती है। तो सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि लीफ के ऊपर जो है बहुत सारा पानी जमा होता है। एक्चुअली वो पानी गटेशन का पानी होता है जो इस लीफ के सरफेस पर जमा हो सकता है या वो ड्रॉप की शक्ल में नीचे भी गिर सकता है। तो जो वाटर इस गटेशन से जो निकलता है वाटर वो जब सरफेस पर लीफ सरफेस पर जमा हो जाता है तो दिन में गटेशन नहीं होती है, लेकिन दिन में ये पानी जो जमा हो गया होता है इस लीफ के सरफेस के ऊपर उसकी इवापरेशन हो जाती है। जब वो इवापरेशन हो जाती है राइट, तो वाटर तो इवापरेट हो जाता है लेकिन उसमें जो डिजॉल्वड मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो इस लीफ के सरफेस के ऊपर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट वाइट पाउडर। अगर आपने कद्दू का पेड़ देखा होगा, क्यूकरबिटा अगर आपने देखा होगा, उसके लीफ पर आपको सफेद पाउडर जैसा नजर आता है, वही सफेद पाउडर बेसिकली दे आर सॉल्ट्स, दे आर मिनरल्स जो गटेशन से यहां जमा हो गए होते हैं। और जब वो सॉल्ट्स मिनरल्स इन लीव्स के ऊपर ज्यादा जमा हो जाते हैं तो उनकी वजह से लीफ सेल्स को डैमेज भी हो सकता है, या यहां तक कि लीफ जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसके सेल्स की डेथ हो जाती है। एक बात आपको एक और याद ये रखना है कि गटेशन हर किसी प्लांट में नहीं होता है, गटेशन किसी किसी प्लांट में देखा गया है। मिसाल के तौर पर गटेशन जो है ये टमाटो प्लांट में देखा जाता है, आप देख सकते हैं कॉमन प्लांट है, घरों में होता है टमाटो, वहां आप सुबह के वक्त देख सकते हैं लीफ के ऊपर पानी जमा हो गया होता है या उसके ऊपर जो है वो सफेद पाउडर जैसा मौजूद होता है, तो वो गटेशन की निशानी है। क्यूकरबिटा जो होता है उसके लीफ पर आप सुबह देखेंगे या दिन को देखेंगे वहां व्हाइट पाउडर जैसी नजर होती है, वो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं विच हैव बीन लेफ्ट बाय इवापोरेशन ऑफ द गटेटेड वाटर राइट। तो इस तरह से गटेशन की मदद से राइट प्लांट जो है वो वाटर को लॉस कर देते हैं, वो वाटर को लूज कर देते हैं राइट। नाउ एक और बात आप याद रखेंगे कि गटेशन जो है उसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रूट प्रेशर। क्योंकि मैंने आपको कहा स्प्रिंग में रूट जो है बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो स्प्रिंग सीजन में रूट के अंदर रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर से स्प्रिंग सीजन में ट्रांसपिरेशन कम हो रही होती है। तो दूसरा तरीका जो वाटर लॉस करने का है जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा वो गटेशन है। तो गटेशन जो है उसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो रूट प्रेशर। तो जितना रूट प्रेशर ज्यादा होगा गटेशन भी उतनी ही ज्यादा हो। तो इस तरह से ये एक फिनोमिना है गटेशन का राइट, जो रिलेटेड है ट्रांसपिरेशन से, इन द सेंस कि गटेशन जो है ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा तरीका है जिससे प्लांट्स अपनी बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा वाटर को लूज कर देते हैं। So this is all about gutation. Thank you very much.